नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICAR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइज़र और एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग वाई विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल तक हम एग्रोनॉमी के 233 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे, आज उससे आगे यानी कि 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 234 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है, फसल चक्र, फसल सघनता, फसल स्वरूप या फसल प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फसल स्वरूप, जिसको क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235, गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है, बोरान की कमी, जिंक की कमी, लोह तत्व की कमी या फास्फोरस की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस की, बोरान की कमी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं, बोरान की कमी से गेहूं में पोलिन स्टेरिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोरान है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पर। 236 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, डेपोग एक विधि है, बताना है किस चीज़ की विधि है, पादप प्रजनन की, पौध लगाने की, रोपाई की या सीधी बुवाई की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पौध उगाने की एक प्रकार की विधि है। धान में जल्दी पौध उगाने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि जो है 11 से लेकर 14 दिन में इसमें नर्सरी तैयार हो जाती है। यह विधि सबसे पहले फिलीपींस से प्रचलित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें बीजों को 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर रखा जाता है। ठीक है, 1.5 से 3 किलोग्राम बीज रखते हैं प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना मृदा के संपर्क में इसमें केले के पत्तों और सीमेंट के फर्श को नम रखकर इसको तैयार किया जाता है। यानी कि 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। ये भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया, किसके द्वारा दिया गया हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द, डोनाल्ड के द्वारा, आर्नॉन के द्वारा या वाटसन के द्वारा या जुगलर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि डोनाल्ड के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238, कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है, आम, केला, अंगूर या अमरूद। पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि एक सीड से कई पौधे निकलना या कई पौध तैयार होना। ठीक है, उसी को पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं, बहुभ्रूणता जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, आम की कुछ वेराइटियाँ होती हैं जिसमें पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है, जैसे गोवा, ओलूर, मलगांव, बेलारी, चंद्रकरण। ये सब वेराइटियाँ आम की हैं जिसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती हैं। इसके साथ साथ नींबू को भी आप याद रखेंगे, जामुन को भी याद रखना है। ठीक है, इन सब में भी बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है। यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक ही बीज से अनेक भ्रूण होने के कारण इसको पॉली एम्ब्रियोनिक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, नागपुर, इम्फाल, कानपुर या शिलांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इम्फाल। ठीक है, देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, इम्फाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जोधपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में या गुट्टूर में। तो यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241, बारानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है, वर्ष से अधिक, वर्ष से कम, तापमान से ज़्यादा या वर्षा के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी वर्ष से अधिक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बारानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है, वर्षा से अधिक, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पर। क्वेश्चन नंबर 242 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताना है कितनी श्रेणी
कितनी वर्षा की श्रेणी में आता है, ठीक है। 500 से 700 mm, 750 से 1100, 50 mm या 1150 से 1450 mm या 300 से लेके 500 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 750 लेके 1150 mm भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 243, असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? HD 2733, HUW 468 या PBW 343 या C 306। तो यहाँ पर पूछा है असिंचित क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 306, ठीक है, C 306। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244, गेहूं के प्लांट एंडियोटाइप की अवधारणा किसने दी थी? M स्वामीनाथन, CM डोनाल्ड या NS रंधावा या RD आसाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, CM डोनाल्ड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 245, 245 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दो पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम आपको बताना है, हॉडियम वाल्गर, हॉडियम डिस्टिकन, हॉडियम इरेगुलर या हॉडियम सेटाइवम। तो इन चारों में से बताइए, दो पंक्ति वाले जौ का बॉटनिकल नेम बताना है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है हॉडियम डिस्टिकन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246, किस राज्य में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247, भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों, तिल या अलसी या नाइजर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी तिलहनी फसल पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिल, ठीक है, तिल जो है सबसे पुरानी तिलहनी फसल है। इसके अंदर ऑक्सीकरण और रेंसिडिटी रोधी गुण पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम तिलहनी फसलों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, सीसामिन पाया जाता है या सेस्मोलिन पाया जाता है, सीसामोल पाए जाते हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, तिल का जो तेल होता है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, गरीब का घी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 248, 248 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति कौन सी है? जया, बाला, पंकज या जगन्नाथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जया, ठीक है, भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति है जया। 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा भारतीय आर्द्रभूमि और अधिक उपज वाली किस्म जया को विकसित किया, जो भारत में धान की जादुई किस्म के नाम से भी जानी जाती है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, 1968 में किसके द्वारा विकसित किया गया था, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा, ठीक है। तो इसको जादुई धान भी कहा जाता है, भारत में इसको जादुई धान के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249, कॉपर की कमी से होता है मक्के में सफ़ेद आँख की बीमारी, जई में ग्रे स्पाइक बीमारी, बाजरा में अर्गट बीमारी या धान में खैरा रोग। तो कॉपर की कमी से पूछ रहा है, तो कॉपर की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो यहाँ ध्यान देंगे बाजरे का अर्गट बीमारी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 250, 250 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, धान का पुष्पगुच्छ क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है धान का जो पुष्प होता है वो क्या कहलाता है, स्पाइकलेट कहलाता है, ईयर होता है या पेनिकल या कैपिटुलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, पेनिकल, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, इमर गेहूं का आपको वानस्पतिक नाम बताना है, दो ऑप्शन है, दोनों में से ही बताइए, चार ऑप्शन इसमें नहीं है, टिटिकम डाइकोकम या टिटिकम एस्टाइवम। अब दोनों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमर गेहूं का बॉटनिकल नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि टिटिकम डाइकोकम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टिटिकम डाइकोकम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252 पर, क्वेश्चन नंबर 252 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली शाकनाशी कौन सा है इसमें से, मेट सल्फ्यूरॉन, आइसोप्रोटेरॉन या क्लोडिना कॉप या फेना क्रॉप्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेट सल्फ्यूरॉन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253, 253 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, चीनोपोडियम एल्बम, फ्लेरिस माइनर
या कनवा कनवोवुलस आर्वेंसिस या एनागेलिस आर्वेंसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कनवोवुलस आर्वेंसिस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी नाम होता है हिरनखुरी। ठीक है, वैज्ञानिक नाम होता है कनवोवुलस आर्वेंसिस। के बीजों का आकार एवं रंग गेहूँ के बीजों के समान होने के कारण गेहूँ का आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कभी कभी हिरन खुरी का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कनवोवुलस आर्वेंसिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कवकीय शाकनाशी है, कोलेगो या एनिलोफास सल्फोसल्फ्यूरान या आइसोप्रोटोरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, कोलेगो। ठीक है, ये कवकीय शाकनाशी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 255। 255 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नियोचेटिना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, आइकोकॉर्निया क्रेप्सिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, आइकोकॉर्निया क्रेप्सिस याद रखेंगे। इसको बायो एजेंट यानी कि नियोचेटिना ब्रूची एक विविल कीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256। 256 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खाद्य तिलहन में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है, जिम्सन मैक्सिकन पॉपी या जॉब्सन घास या हिरनखुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मैक्सिकन पॉपी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिकन पॉपी जो है एक सत्यानाशी को कहा जाता है। ठीक है, सत्यानाशी का नाम होता है मैक्सिकन पॉपी, जिसका वनस्पतिक नाम होता है एग्रीमोन मैक्सिकाना। इसके बीजों की सरसों के बीजों के समान मिलावट होने के कारण तेल निकलकर प्रयुक्त करने से मनुष्य में अंधापन रोग हो जाता है। यह रोग 1998 में दिल्ली के अखबारों में आ चुका था। ठीक है, इससे क्या होता है, ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है, अंधापन नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 257। 257 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, सोयाबीन मूंगफली ग्वार या अलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अलसी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या भोपाल में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को, ठीक है, लॉर्ड लिंथगो की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर लैंड ग्रैंट पैटर्न ऑफ USA के तर्ज पर नई दिल्ली में की गई थी, जो कि एशिया के सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259 पर। क्वेश्चन नंबर 259 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 259 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कृषि किसके उत्पादन और प्रबंधन को कहते हैं। ठीक है, कृषि किसके उत्पादन और प्रबंधन को कहा जाता है। उत्पादन और प्रबंधन दोनों ही शब्द आए हैं। देखते हैं ऑप्शन, पशु और मुर्गी पालन, पशु और मछली पालन, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन और पशुपालन प्रबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, फसल उत्पादन और पशुपालन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260। 260 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। ज़्यादातर फसलीय पौधे की अच्छी वृद्धि औसत टेम्परेचर पर होती है, 0 से 15, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतर जो फसल वाले पौधे होते हैं उनकी वृद्धि अच्छी मानी गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है, मिट्टी पलटने वाला हल, तवी हैरो या तवी हल या टूथ हैरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, तवी हल, जिसको डिस्क हल कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 262। 262 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं क्या कहलाती हैं, प्रारंभिक भूपरिष्करण, द्वितीयक भूपरिष्करण, कटाई उपरांत भूपरिष्करण या न्यूनतम भूपरिष्करण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक भूपरिष्करण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए 2:1, 1:1, 1:2 या 3:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1:1, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 264। 264 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, बाली आने की अवस्था या दूध पड़ने की अवस्था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर जड़ के निकलने की अवस्था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। 265 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, बहुवर्षीय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे। गौरव किस्म किस फसल की है? अरहर, सोयाबीन, चना या दोनों? तो यहाँ पर सोयाबीन की भी है और अरहर इसकी चना की भी है। ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों ही सही हैं। यहाँ पर सी सोयाबीन की भी है, चना की भी है। ठीक है, गौरव दोनों की किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 267 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, पत्तियों पर, जड़ों में या तना पर या पूरे पौधे पर? तो दलहनी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों पर पाए जाते हैं, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268। फसलों में अंतःशस्त्र क्रियाएँ बढ़ती हैं जल निकास दक्षता से, जल अवशोषण से या जल उपयोग दक्षता से या वाष्प वाष्प उत्सर्जन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जल उपयोग दक्षता से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? क्यारी विधि में, सीमांत पट्टी विधि में, बौछारी विधि या बूंद या टपक विधि में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बूंद या टपक विधि में सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता सिंचाई होती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 270। 270 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है 25, 50 या 75 या 100? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन 50% नमी के ह्रास पर ही सिंचाई करने पर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271। लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? बूंद या टपक विधि, बौछारी विधि, कुंड विधि या बाढ़कृत विधि? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बूंद या टपक विधि। ठीक है, अगर लवणीय पानी की दशा है तो वहाँ पर हम बूंद बूंद सिंचाई या टपक विधि से सिंचाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 272। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, ट्यूबवेल, वर्षा या तालाब? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का जो मुख्य स्रोत माना गया है वो हो जाएगा यहाँ पर वर्षा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, N2, N2O, CO2 या O3? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, N2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी N2O, CO2, O3 ये सब ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 274 पर। 274 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट क्या दर्शाता है? अंडे के उत्पाद को, शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को, मांस और पशु जनित उत्पाद को या जैविक जनित उत्पाद को? तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 275। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? ठीक है, 2.4%, 10%, 12% या 16%? तो भारत में विश्व का 2.4% भू संसाधन है, आपको याद रखना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 276। 276 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व की पराजिनी फसल, जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप कहा जाता है, का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक किस फसल का है? सोयाबीन का, चावल का, कपास का या मक्का का?
तो पूरे विश्व की बात करें, ट्रांसजेनिक क्रॉप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, तो हो जाएगा सोयाबीन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277। कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था? ठीक है, द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था, 2004 में, 2003 में, 2005 या 1998? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में आया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। उतेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है? आपको बताना है उतेरा जो कल्टीवेशन है किस राज्य में की जाती है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं धान की फसल में अलसी, मसूर और खेसरी की मिश्रित फसल उगाना छत्तीसगढ़ में उतेरा कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, उतेरा कहते हैं। एवं मध्य प्रदेश में इसको पैरा के नाम से जाना जाता है, चाहे पैरा पूछ ले चाहे उतेरा पूछ ले। पैरा पूछे तो मध्य प्रदेश में और उतेरा पूछे तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279। सीमिट स्थित है कहाँ पर, सीमिट स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल में, अमेरिका में, फिलीपींस में या मैक्सिको में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मैक्सिको में स्थित है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मेज एंड वेट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, इसको स्मिट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, मैक्सिको में हुई थी, जहाँ जहाँ से गेहूं की अधिक उपज वाली बौनी किस्में और मक्का की अधिक लाइसिन और ट्रिप्टोफेन युक्त संकुल किस्में विकसित हुई थी। ठीक है, स्मिट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 280। 280 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र क्या है? लीफ एरिया, ग्राउंड एरिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लीफ एरिया, ग्राउंड एरिया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281। 281 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, किस कारण से धान की खेती सब मर्ज कंडीशन में की जाती है? ठीक है, सब मर्ज कंडीशन में की जाती है, गहरी जड़ों के कारण, हाइड्रोपोनिक्स प्राकृतिक कारण, ऑक्सीजन के तने से जड़ में संचार के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ऑक्सीजन का तने से जड़ का संचार के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। CO2 की अपेक्षा CH4, जिसको मीथेन कहा जाता है, गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना अधिक होता है? 1, 21, 310 या 4000? तो कितने गुना अधिक होता है, तो ये हो जाएगा 21 गुना अधिक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 283। 283 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, जिसको NBFGR कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? कोचीन में, चेन्नई, लखनऊ या मुंबई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है लखनऊ के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284। कृषि प्रणाली फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल है जैविक खेती, फसल प्रणाली, फसल चक्र या सभी कृषि क्रियाएँ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी कृषि क्रियाएं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 285। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है, तो यहाँ पर गेहूं हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। कपास का संबंध किस कुल से है? फैमिली बताना है कपास की, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी या मालवेसी, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कपास की जो फैमिली होती है वो हो जाएगी मालवेसी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मालवेसी फैमिली हो जाएगी, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 287 पर। क्वेश्चन नंबर 287 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीमिट संस्थान किन फसलों पर अनुसंधान करता है? आपको बताना है सीमिट जो संस्थान है किन फसलों पर अनुसंधान करता है, गेहूं और मक्का पर, गेहूं और बाजरा पर, मक्का और ज्वार पर या चावल और गेहूं पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गेहूं और मक्का पर अनुसंधान करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, जिसको CIPHET कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? लुधियाना में, नई दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लुधियाना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 289, 289 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण भारत में गेहूं की टेट्रिकम स्टाइवम प्रजाति उगाई जाती है, ठीक है, संपूर्ण भारत में गेहूं की टेट्रिकम स्टाइवम प्रजाति उगाई जाती है, और दूसरी मुख्य प्रजाति कौन सी है ये आपको बताना है। टेट्रिकम डाइकोकम, टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम स्पेल्टा या टेट्रिकम स्फोरोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टेट्रिकम ड्यूरम, ठीक है। पहले नंबर पर टेट्रिकम स्टाइवम, दूसरे नंबर पर आ जाएगी टेट्रिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 290, वातावरण के किस मंडल में वर्षा, पाले और कोहरे की क्रियाएं होती हैं। आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोस्फीयर, मेजोस्फीयर, ओजोन मंडल या श्रोब मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, श्रोब मंडल में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 291, 291 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसान के पास गेहूं की फसल को सिंचाई करने के लिए एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, CRI अवस्था, कल्ले फुटान, डफ अवस्था या अंकुरण के बाद। तो बहुत बार यह पूछा गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CRI अवस्था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 292, सामान्यता फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है, आपको बताना है फ्लोएम द्वारा क्या अवशोषित होता है, NH3, NO2, NO3 या NO। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, NO3-2, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, फ्लोएम द्वारा अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CITA कहाँ पर स्थित है, नाइजीरिया, जापान, सीरिया, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया में स्थित है, आपको याद रखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है, नाइजीरिया में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 294, 294 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है, शेर, भैंस, ब्लू व्हेल या हाथी। तो ब्लू व्हेल जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295, जब हेड सेंटीमीटर में दिया हो तो 90 डिग्री वी नोच वियर के डिस्चार्ज का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्यू बराबर 0.0138H/2.5, ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296, निम्नलिखित पौधों में से किन पादपों की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, आपको बताना है ये जो पौधे के नाम दिए हैं कौन से पादपों के अंदर जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, C3 प्लांट में, C4 प्लांट में, कैम प्लांट में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कैम प्लांट के अंदर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनके अंदर जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 297, 297 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा वृक्ष बहुउद्देशीय है, ठीक है, बहुउद्देशीय वृक्ष बताना है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्बिजिया लिबेक, ठीक है, एल्बिजिया लिबेक जो है, लिबेक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, देख सकते हैं एल्बिजिया लिबेक जो है ये बहुउद्देशीय वृक्ष माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 298 पे। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर के अंदर सेलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी की नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आसान क्वेश्चन है, एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अवयव हैं, ठीक है, आपको बताना है एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अवयव कौन सा है, फसल प्लस वृक्ष, फसल प्लस पशु, फसल प्लस वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल भी सम्मिलित होता है, वृक्ष भी है, चारागाह और पशु ये सब सम्मिलित होते हैं एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अंदर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299, वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों का, इंफ्रारेड किरणों का या कुल सूर्य किरणों का या उपरोक्त सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 299 का ए ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट किरणों का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में, दिल्ली में, जबलपुर या जूनागढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, जूनागढ़ के अंदर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है,
ठीक है, गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है, वहाँ पर राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र माना गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 301। 301 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धान का जीन बैंक कहाँ स्थित है, जापान, फिलीपींस, भारत या चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 302, एरोइंग किससे संबंधित है, धान से, गन्ना से, चना से या गेहूं से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरोइंग का संबंध है गन्ना से, ठीक है, जो पुष्प आते हैं गन्ने में उसको एरोइंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 303, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, SO2, CO2, NO2 या SO2, NO2 दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, SO2 और NO2, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304, देर से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है, सूरजमुखी, अरहर, धान या सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305। 305 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग होता है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, रेतीली या लाल मिट्टी। तो तालाब निर्माण करने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 306, किस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ओजोन परत के कम होने से, पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणों से, या वातावरण में CO2 के स्तर की बढ़ोतरी से, या बाहर जाने वाली दीर्घ तरंग देह अवशोषक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वातावरण में CO2 के स्तर में बढ़ोतरी से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 307। 307 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था, 2000 में, 2002, 2004, 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 307 का बी ऑप्शन, 2002 में, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ये चेन्नई 2003 में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 308, यदि गेहूं की फसल का उत्पादन 6 टन पर हेक्टेयर हो, ठीक है, गेहूं की फसल का उत्पादन कितना हो, 6 टन प्रति हेक्टेयर हो, और वाष्पोत्सर्जन कितना है, 40 सेंटीमीटर हो, तो गेहूं की जल उपयोग दक्षता कितनी होगी, आपको बताना है WUE, ठीक है, जल उपयोग दक्षता बताना है कितनी होगी। देख लेते हैं ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 309, मुख्यतः पौधों नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, आपको बताना है जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, NO3 के रूप में, NO2 के रूप में, CNH4 के रूप में या NH3 के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310, ईफोम किससे संबंधित है, ठीक है, उर्वरक, अध्यादेश से, कृषि विपणन से, या जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो IFOAM किससे संबंधित है, जैविक उत्पाद और प्रमाणीकरण से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 311, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप, विंड प्रेशर, स्ट्रेथ या तापमान या सुनामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंड प्रेशर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 पर। 312 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आंसर दीजिए, किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध की जाती है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस अवरुद्ध की जाती है, IAA, GA3, IBA या साइटोकाइनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 313 देखेंगे, भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 45 मिलियन हेक्टेयर, 55 मिलियन हेक्टेयर, 95 मिलियन हेक्टेयर या 145 मिलियन हेक्टेयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल बताना था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314। 314 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अफ्लाटॉक्सिन किससे संबंधित है या किससे उत्पादित होता है, एस्परजिलस फ्लैक्स से या पेनिसिलियम से या एस्परजिलस नाइजर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस फ्लैक्स, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में,
भारत में मूंगफली के पोड में नमी ज़्यादा होने के कारण एस्परजिलस फ्लेव्स फफूंद के कारण अफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ जो कि विषकारी पदार्थ होता है उत्पन्न हो जाता है। एस्परजिलस नाइजर फफूंद से मूंगफली में अंकुरण होने के बाद काली जड़ें पड़ जाती हैं, ठीक है, जिसको कॉलर रोट कहा जाता है। पूछ सकता है कॉलर रोट डिजीज किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मूंगफली से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है? बेसिलस थोरिजेंसिस, एस्परजिलस राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीवाणु है एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिलस थोरिजेंसिस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 316। शून्य भू परिष्करण जिसको जीरो टिलेज कहा जाता है से मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलेगा? कौन सा गुण नहीं बदलेगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मृदा का कार्बनिक प्रतिशत, मृदा की नमी, मृदा पोरोसिटी या मृदा विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा विन्यास नहीं बदलेगा, बाकी सबके सब बदलेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 317 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इयान विलमुट का संबंध किससे है? तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है। इयान विलमुट का संबंध है डॉली के विकास से, डॉली एक भेड़ है, ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318। प्राथमिक रंग हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर बताने हैं कौन कौन से होते हैं। लाल नीला हरा या लाल पीला हरा, दोनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, लाल होता है प्राइमरी, नीला होता है नीला, उसके बाद हरा हरा, ये तीन रंग जो होते हैं ये हमारे प्राइमरी रंग होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 319 पर। क्वेश्चन नंबर 319 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण होता है लीवर में, हृदय में, किडनी में या बोन मेरो में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आरबीसी का कहाँ होता है? तो ये होता है बोन मेरो में, ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 320। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है? मृत वायरस का टीका, जीवित वायरस का टीका या सब यूनिट वैक्सीन या केमिकल ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित वायरस टीका का प्रयोग किया जाता है पल्स पोलियो टीकाकरण में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 321। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स, पादप, पशु या धातु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, फॉसिल्स, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 322 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एम्फिनिटी होती है? तो आपको बताना है किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है, CO की, H2O की, CH4 की या O2 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CO की, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है, कौन नहीं जानता, सब लोग इसको जानते हैं, एस्कॉर्बिकम, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान कौन से ज़्यादा हानि किसकी होती है? ठीक है, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? विटामिन्स की होती है, खनिजों की होती है, वसा की या कार्बोज की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हानि होती है विटामिन्स की होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IPR का पूर्ण नाम क्या होता है? IPR का पूरा नाम बताना है, इलेक्टिचुअल पेटेंट राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326। टेरी का पूर्ण रूप क्या है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, टाटा पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो टेरी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 327 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों का भारत में उत्पादन बताना है। गेहूं, चावल, ज्वार, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का या गेहूं, मक्का, चावल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा चावल, गेहूँ, उसके बाद मक्का, उसके बाद ज्वार, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 328। राष्ट्रीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, NBAIM
कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, नाथ मऊ नाथ भंजन लखनऊ या हैदराबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मऊ के अंदर स्थित है, जहाँ पर मऊ नाथ भंजन संस्थान है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव जीव ब्यूरो, ठीक है, नाथ मऊ नाथ भंजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 329 पर। क्वेश्चन नंबर 329 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है, प्रतिबंधित नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्टिगेशन विद यूरिया, शाकनाशी का उपयोग, कीटनाशी का प्रयोग या रसायनों के बीजोपचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन विद यूरिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 330। एन ई बोरलॉग को नोबल पुरस्कार 1970 में किस क्षेत्र में दिया गया था, कृषि, अर्थशास्त्र, पादप रोग विज्ञान या शांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शांति के क्षेत्र में दिया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 331। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी या डर्फी डीजी की बढ़ोतरी या तापमान में गिरावट या वर्षा में बढ़ोतरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 332 पर। 332 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में मान्यता प्राप्त परिजीनी फसल कौन सी है, ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी फसल है भारत में जिसको मान्यता प्राप्त मिली है, कपास, मक्का, सोयाबीन या बैगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कपास, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 333। देश में मीटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण क्या है, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई या जीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 334। दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, पॉपुलर, नीम या बॉटल ब्रश या यूकेलिप्टस। तो दलदली भूमि के लिए पूछ रहा है कौन सा वृक्ष सबसे अच्छा माना गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूकेलिप्टस, ठीक है, सफेदा जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 335। 335 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आसान है, बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे, प्रोसोपिस साइनेरिया, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 336। निम्न में से कौन सी भारत की दलदली फसल नहीं है, सॉरी दोस्तों, दलहन फसल नहीं है, ठीक है, इसमें से दलहन फसल कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। विग्ना रेडिएटा, केजनस केजान, साइसर एरिटेनम या अरेकिस हाइपोजिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया है, जो एक प्रकार की तिलहन फसल होती है, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है किसका, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है, लेग्यूनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल की तिलहन फसल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 337। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, 20%, 30%, 35% या 40%। तो सोयाबीन के अंदर जो तेल की मात्रा है वो पाई जाती है 20%, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 338। 338 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मटर की पर्णरहित प्रजाति कौन सी है, बॉनविले, T163, L116 या HFP4, जिसको अर्पणा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, HFP4 जिसको अर्पणा कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 339। धान की SRI तकनीक विकसित की गई थी जापान में, कोरिया में, मेडागास्कर में या चीन में। तो धान की SRI तकनीक कहाँ से विकसित की गई थी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 340। भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था, 1899, 1901, 1904, 1905। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901 में भारत में पहला सिंचाई आयोग बना था, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 341। 341 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, चना और मूंग, चना और मटर। तीसरा ऑप्शन आपको सी वाला दे दे रहे हैं, चना एवं अरहर, एवं अरहर, चना एवं अरहर, डी ऑप्शन आप ले लीजिए, अरहर एवं मटर, एवं मटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 75% दलहन उत्पादन का काम करती है भारत में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि चना और अरहर, ये दोनों ऐसी क्रॉप हैं जो 75% दलहन उत्पादन का कार्य कर देती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 342 पर। क्वेश्चन नंबर 342 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
निम्न में से कौन सा नीम से प्राप्त होता है? मेलियान ट्रियोल या कार्जिंस या एकोरिस या एनो9। तो नीम से कौन सा प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलियान ट्रियोल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 343। निम्न में से कौन सा C4 पौधा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, मक्का, साइप्रस, चौलाई या जौ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जो है ये C4 प्लांट नहीं है, बाकी चौलाई, साइप्रस और मक्का ये तीनों तीनों C4 प्लांट हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 344। बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग हम इस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, किसके विरुद्ध करते हैं? सोरगम हेलिपेंस। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सोरगम हेलिपेंस बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है, इसी के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 345। 345 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। देखेंगे कौन से धान की कटाई अप्रैल मई के महीने में की जाती है? आस, आमन, बोरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बोरो की कटाई कब करते हैं? अप्रैल मई के महीने में कर देते हैं। धान की बुआई 3 ऋतुओं में की जाती है, एक होता आस, आमन और बोरो। आस जो है, आस की बुआई कब करते हैं? धान को अप्रैल मई में लगाया जाता है। ठीक है, आस को अप्रैल और मई के महीने में लगाया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है। ठीक है, पूछ सकता है कब लगाया जाता है कब काटा जाता है, दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अप्रैल मई में तो लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। आमन की बात करें, इसको जुलाई और अगस्त में लगाया जाता है। ठीक है, जुलाई और अगस्त में लगाया जाता है और इसको दिसंबर से जनवरी के महीने में काट दिया जाता है, याद रखेंगे। बोरो की बात करें, यह अक्टूबर माह में लगाया जाता है और अप्रैल मई के महीने में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर से आप लोग याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 346 पर। 346 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद का एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे क्या कहा जाता है? एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद का एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मोनोप्सोनी। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोप्सोनी। ठीक है, ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोनोप्सोनी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 347। निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? खेती का प्रकार नहीं है विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती या सामूहिक खेती या रेचिंग खेती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 347 का, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सामूहिक खेती, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348। PF मात्रा 4.18 दर्शाता है, क्षेत्र क्षमता, मलानी बिंदु, आर्द्रता जल या केशिया जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलानी बिंदु दर्शाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 349। 349 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल ग्रहण क्षेत्र है जैविक प्रणाली, भौतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जैविक, भौतिक और सामाजिक तीनों के तीनों हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350। ब्रूशनिंग प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, ब्रूशनिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? गेहूं से, धान से, मक्का से या बाजरा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूशनिंग प्रक्रिया धान से संबंधित है। ठीक है, ब्रूशनिंग की क्रिया धान की बुआई के 1 से लेकर 1.5 माह बाद किया जाता है। ठीक है, वो भी जब पानी खेत के अंदर भरा रहता है तब किया जाता है। और इससे क्या होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है, वायु मृदा में वायु संचार होता है और पौधे की उचित मात्रा में वृद्धि और संख्या में भी वृद्धि होती है, तो इसलिए ब्रूशनिंग की क्रिया की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 351 पर। क्वेश्चन नंबर 351 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग में आएगा? छोटा, लघु, मध्यम, सीमांत या बड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा और लघु किसान कहलाएगा वो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे, अंतः फसल प्रणाली में गेहूँ और सरसों का अनुपात होता है। ठीक है, गेहूं और सरसों का अनुपात कितना रखते हैं? 9:1, 8:1, 9:2 या 8:2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 9:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 353, बाजरा में परागण होता है, स्वपरागण, पर परागण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाजरा के अंदर जो परागण होता है वो होता है पर परागण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 354,
सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई कितनी रखते हैं? 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 या 6 से 8? तो सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई जो रखी जाती है वो रखी जाती है 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे। एगमार्क का संबंध है पैकेजिंग से या प्रक्रियाकरण से या गुणवत्ता से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एगमार्क का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवत्ता से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट, गुणवत्ता याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 356। 356 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर के TA का एग्जाम देना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 356 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं फसल के लिए उपयोगी और जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोक्टोबैक्टर या एजोला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर संवर्धन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, हैदराबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या मुंबई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 358, ग्वार की बीज दर कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 359, अरंडी के बीजों में औसत तेल की मात्रा होती है 20, 47%, 26% या 38%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47%। ठीक है, कैस्टर के अंदर 47% तेल की मात्रा होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 360 पर। 360 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं या उपयोगी करने पर हमेशा समाप्त हो जाते हैं या पुनः उपयोग किए जा सकते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोग करने पर हमेशा समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा पूछा था तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 361, बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है कोयले से, जेट्रोफा से, मक्का से या गन्ना से? तो बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है जेट्रोफा से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस यंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है गोबर गैस संयंत्र में पाचन प्रक्रिया होती है अवायवीय पाचन या अपघटन, दोनों में से ही बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन दे दिए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवायवीय पाचन। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। कल हम स्टार्ट करेंगे 363 नंबर क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चनों को कल करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कल एग्रोनॉमी ख़त्म कर दिया जाए, फिर अगला सब्जेक्ट आप लोगों को करवाया जाए। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।